तो आज हम मांसाहारी पौधों के बारे में पढ़ेंगे। क्या के बारे में? मांसाहारी पौधे। तो देखो, मांसाहारी का मतलब क्या होता है? मांस खाना। क्या होता है? मांसाहारी यानी मांस खाने वाले, ठीक है, इन्हें मांसाहारी कहते हैं। जब जो लोग या जो जानवर क्या खाते हैं, दूसरे पशुओं का, दूसरे जीवों का मांस खाते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? मांसाहारी। तो बच्चों ये बताओ, क्या पौधे भी मांस खाते हैं क्या? नहीं खाते। परंतु आज हम ऐसे ही पौधों के बारे में पढ़ेंगे जो मांस भी खाते हैं, अर्थात दूसरे जीवों को खाते हैं। क्या कभी आपने पढ़ा है? क्या नहीं पढ़ा? तो देखो, आपकी जो पुस्तक है यहाँ पर देखेंगे, पर्यावरण अध्ययन की, इसमें पार्ट पार्ट में दिया है बीज बीज बीज। अब बीज क्या होता है? यानी एक तरफ कोई भी एक पेड़ है, एक वृक्ष है, या जो पौधे हैं उनके जो दाने होते हैं ना, उनको हम क्या कहते हैं? बीज कहते हैं। तो इस पार्ट में बीजों के बारे में दिया गया है, और हम इसी में यहाँ पर दिया है चैप्टर में मांसाहारी पौधों के बारे में, जिसे हम शिकारी पौधे भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शिकारी पौधे। अभी तक तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि शिकार जो है केवल शेर भालू है ना, सियार लोमड़ी, ये शिकार करते हैं, यानी जानवर ही शिकार करते हैं, हम तक पढ़े होगे है ना। किंतु कुछ पौधे भी ऐसे हैं जो शिकार करते हैं, अर्थात वो मांस का भक्षण करते हैं, मांस खाते हैं, इसलिए उन्हें मांसाहारी पौधे कहते हैं। बच्चों यहाँ पर आप देखोगे कुछ जानकारी को, देखो बच्चों यहाँ पर हमने कुछ जानकारी को नोट करके रखा है, लिख करके रखा है, मांसाहारी पौधे। यहाँ देखिए बोर्ड में, तो मांसाहारी पौधे किन्हें कहेंगे? ऐसे पौधे जो कीड़े मकोड़ों के साथ साथ छोटे मोटे जीवों जैसे कि मेंढक, चूहे, छिपकली आदि का शिकार करते हैं, है ना, उन्हें मांसाहारी पौधे कहते हैं। वो शिकार करते हैं और उनको खा जाते हैं। अब कैसे खाते हैं, किस प्रकार शिकार करते हैं, उसके बारे में हम जान लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ऐसे पौधों के नाम क्या है, या वे कौन से पौधे होते हैं। देखो अपने इलाके में, अपने क्षेत्र में तो ऐसे पौधे बिल्कुल नहीं है, है क्या? नहीं है। किंतु दूसरे देशों में और अपने भारत देश के जो अन्य क्षेत्र हैं, अभी उनके बारे में हम पढ़ेंगे, तो उनमें ये पौधे पाए जाते हैं। तो उन पौधों के नाम क्या है? उनके जो पौधे के जो नाम है वो है नेपेंथिस। अंग्रेजी में क्या नाम है बोलिए? नेपेंथिस। नेपेंथिस, हाँ। और इसका हिंदी नाम जो है वो है घटपर्णी। क्या नाम है? घटपर्णी। और इसका जो अन्य नाम है उसको हम बंदर कप भी कहते हैं, या घड़े के पौधे भी कहते हैं। देखो हम आपको उसका उदाहरण बताते हैं बच्चों। ये देखिए, ये हमने एक नमूना बनाया है, देख रहे हो आप लोग, ये है नेपेंथिस, या इसी को घटपर्णी कहते हैं हिंदी में। ये नेपेंथिस पौधा इस प्रकार से होता है, ठीक है, ये यहाँ एक पत्र में आकृति ऐसा जुड़ा हुआ होता है, और यहाँ पर ये घरे टाइप की उसकी आकृति होती है, और उसके ऊपर क्या लगा रहता है? एक ढक्कन लगा रहता है, ठीक। तो यही है कल्पादप, इसको कल्पादप भी कहते हैं, या घटपर्णी भी कहते हैं। और देखिए अभी हम बताएंगे किस प्रकार शिकार करता है, अन्य जानकारी हम पढ़ लेते हैं। तो बच्चों देखिए कि इसकी बनावट कैसी है, जैसा कि हमने आपको बनावट के बारे में बताया कि कलश घड़ा या कप जैसी आकृति होती है, जिसके जिसका मुंह ढक्कन व पत्ते से ढका होता है। देखिए इसकी आकृति कलश के समान है कि नहीं है, है ना, ऐसे घड़े के समान बनी हुई है, कलश के समान बनी हुई है, ठीक। और उसके ऊपर एक पत्ता के ऊपर ढक्कन व पत्ता लगा रहता है, ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? घटपर्णी कहते हैं, यानी पत्ते से बना हुआ घड़ा। देखो नाम क्या है? घटपर्णी। क्या नाम है? घटपर्णी। तो घट का मतलब घड़ा और पर्णी मतलब पत्ता, तो पत्ते से बना हुआ घड़ा।
घड़ा, इसका नाम पत्ते से बना हुआ घड़ा है, इसे घटपर्णी कहते हैं। अंग्रेजी में इसे कहते हैं निपेंथिस। बोलिए, निपेंथिस। ठीक है, तो इसकी आकृति इस प्रकार की बनी होती है। अब बच्चों आगे क्या है, इसके शिकार का तरीका क्या होता है? तो देखिए, इस पौधे के कलश वाले भाग के अंदर से एक खास प्रकार की गंध निकलती है जो कीटों को आकर्षित करती है। यदि कोई कीट इसमें इसके अंदर आया तो ऊपर का ढक्कन बंद हो जाता है। अब देखो इसके माध्यम समझो शिकार कैसे करता है। ये जो यहाँ पर देखिए बेटा, ये तो यहाँ देखो बच्चों, ये देखिए, ये अंदर खोखला भाग है, दिख रहा खोखला भाग? तो इसके अंदर क्या होती है, एक प्रकार की गंध होती है ना, एक बड़ी सुगंधित और बड़ी टेस्टी टाइप की, है ना, ऐसी गंध होती है। वो गंध निकलते रहती है, निकलते रहती है, है ना, आसपास। तो वहाँ कोई कीट या कीड़ा मकोड़ा कोई घूम रहा है ना, बहुत सारे कीड़े मकोड़े घूमते रहते हैं, तो वो आकर्षित होकर के इस प्रकार से मान लो उड़ते 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 मान लो आया और ये गंध उसको आकर करके उसको खाने के लिए वो यहाँ आता है। और जैसे यहाँ बैठता है ना, और खाने के अंदर जाता है तो ऊपर से जो ढक्कन है ये ऐसा बंद हो जाता है। फिर जो बंद हो जाता है तो उसके बाद जो अंदर जाता है ना कीड़ा, वो बाहर नहीं निकल पाता, बाहर ये फिर बंद ही रहता है। कैसा रहता है? बंद ही रहता है, वो बाहर नहीं निकल पाता है। ठीक है, जब बाहर नहीं निकलता है तो कुछ देर बाद वो फटाता रहता है और अंदर ही वो मर जाता है। और जब मर जाता है इसके बाद में ये जो अंदर का जो भाग है ये उस कीड़े को पचा लेता है, खाने तक इस प्रकार खा लिया और उसको पचा लेता है। फिर से ये ढक्कन खुल जाता है, फिर से कोई नया कीट आएगा, या मान लो कोई चूहा चलते चलते चूहे भी आकर कहीं खाते हैं ना, तो चूहा के लिए मान लो यहाँ आ गया और खाने के लालच में अंदर घुसा चूहा, यहाँ अंदर घुसा और वो फट से पत्ता ऐसा ऊपर जो ढक्कन है बंद हो गया। अब चूहा अंदर फड़फड़ा रहा है, कहाँ से निकलेगा? क्या नहीं निकलेगा, एक समय में चूहा मर जाएगा। वो जब तक मरेगा नहीं तब तक ये ढक्कन खुलता ही नहीं है। ठीक है, मर जाता है। इसके बाद में उस चूहे के जो मांस है ना, उसको ये पौधा पचा लेता है अंदर पूरा, और फिर से ढक्कन खुल जाता है। फिर से कोई नया कीट आया है ना, कोई कीड़ा मकोड़ा आया तो उसको ये क्या करता है, फिर से इसको खा लेता है। तो इस प्रकार से शिकार करता है। अब ऐसा नहीं कि चलते फिरते नहीं है, ये पौधे में ऐसे लगे रहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ऐसे ये यहाँ से एक पौधा बदला रहता है तो ये ऐसे लगे रहते हैं और इस प्रकार यहाँ से गंध निकलते रहती है और कोई भी कीट जो है वो आता है और यहाँ पर बैठ जाता है। तो इस प्रकार से ये पौधे अपना भोजन कीड़े मकोड़े से, चूहे छिपकली जैसे छोटे छोटे कीटों से या मेंढकों से ये अपना भोजन पूरा करता है। ठीक है, अच्छा बच्चों आप देखिए ये पौधे कहाँ पाए जाते हैं। तो देखो बच्चों, यदि हम बात करें ये पौधे हमारे भारत में कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पौधे हमारे भारत देश के मेघालय में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? मेघालय में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? मेघालय में पाए जाते हैं। ठीक है, और अन्य देशों की हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, फिर इंडोनेशिया, मेडागास्कर, यहाँ ये पाए जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार के पौधे। तो जब कभी भी आप हमारे भारत देश के मेघालय जाओ तो इस प्रकार के पौधे आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो मजा आया आप लोगों को? देखो इसके अलावा भी और भी अन्य प्रकार के पौधे होते हैं। ठीक है, इनको अलग अलग नामों से जानते हैं, कई तरह के होते हैं। कीट भक्षी पौधे उन्हें क्या कहते हैं? कीट भक्षी पौधे भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कीट भक्षी पौधे। तो मजा आया आप लोगों को? अभी मजा लगे बात। अगले पीरियड में फिर अगली चीज पढ़ेंगे। ठीक है बेटा।